इंसान के पिछवाड़े में चुल्ला तोड़ा ये। और यही एग्जैक्ट सेम वो स्पॉट है जहाँ पे आखिरी बार तो राइडर के साथ थे। आपने कितनी मंगा रखी? मैंने 300। पूरी बहुत ही। दिल्ली से आगरा आने में मुझे लगे लगभग 2 घंटे। एक सीन और हो गया, अभी मैं चला रहा था तो बैग की चेन खुल गई, उसमें मेरा कुछ सामान रखा था, सारे उड़ गए। मैं था 130 पे और मुझे लग रहा था भाई मुझे कौन ही ओवरटेक करेगा, सबसे आगे जा रहा था बीच वाले लेन पे, तभी भाई साइड वाली लेन से भाई पता नहीं कितने की स्पीड में मैं हिल गया। मीटअप करने बिहार, काफी लोगों के मैसेज आते थे बिहार से, फोकगंज, मुजफ्फरपुर और पटना। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज है सैटरडे और आज का सीन कुछ अलग है। भाई मैं जा रहा हूँ लखनऊ, वो भी सोलो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अभी मैं हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पर। पीछे मैंने बैग टांग रखा है और जो कुछ सामान था वो मैंने कल रात ही भिजवा दिया। और आपको पता है ये मेरा पहला सोलो ट्रिप है जो मैं बाइक से कहीं जा रहा हूँ। मैं जिंदगी में आज तक किसी भी बाइक से कहीं अकेला नहीं गया, भले ही मेरे पास पल्सर 200 NST है, ड्यूक 390, मैं कभी भी आज तक जिंदगी में कहीं अकेला नहीं गया। जब भी मैं गया हूँ एक ना एक बंदा तो साथ होता था मेरे। तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी काफ़ी ज़्यादा हूँ, क्योंकि भाई आप ना सुपर बाइक चला रहे हो ऊपर से ऐसा रोड, और वो भी अकेले, इंसान के पिछवाड़े में चुल्ला तोड़ा ये। ये करने का चुल्ला तो होता ही है, ठीक है। तो इस कीड़े को मैंने एकदम शांत कर दिया है, मार दिया है कि भाई अकेला हूँ, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो लेने के देने पड़ेंगे, इसलिए मैं आराम आराम से चल रहा हूँ। बीच में कहीं स्ट्रेच मिला तो भगाएंगे। और एक चीज और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बीच में काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप प्रो राइडर के बारे में बात नहीं करते, तो भाई वो आखिरी राइड थी, उसके बाद मैं आज इस यमुना एक्सप्रेस वे पर आया हूँ बाइक से। बीच में मोटो जीपी आया था कार से देखने, बट उस दिन के बाद, उस हादसे के बाद मैं आज बाइक से जा रहा हूँ। बाकी भाई बहुत बढ़िया, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब अल्फाज नहीं मेरे पास उसके लिए बोलने के लिए। बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत शरीफ, और काफ़ी यंग एज में हमें छोड़ के चला गया। और जो भी उसके खिलाफ बोल रहे थे, मैं फैला रहे थे, झूठ फैला रहे थे कि भाई 300 300, वो तो कब का क्लियर ही हो चुका है, एक बार ज़रा ये चेक करो गाइस। तो वही है थोड़ा सा उसके, उस चीज़ की वजह से मैं भाई नर्वस हूँ, तो इसलिए मैं आराम आराम से चलाऊँगा। बाकी देखते हैं आगे कैसा सफ़र जाता है अपना, आयो ऊपर वाले से दुआ है बढ़िया जाए। हाँ तो अभी हम जाए, अभी मैंने कुछ नहीं खाया, थोड़ा बीच में कहीं रुकेंगे, ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। भाई अपन रुके थे इधर पीछे हाईवे मसाला, हमेशा यहीं रुकते हैं। जेवर में हूँ मैं अभी, और उधर हमारी मैक्स खड़ी हुई है, पूरा सुबह इसको चमकाया, एकदम माशाल्लाह चमक रही है। तो इधर खाना पीना हो गया, एक रेड बुल थी और छोले भटूरे, भटूरे काफ़ी ऑयली थे तो इससे ज़्यादा खाए नहीं। और यही एग्जैक्ट सेम वो स्पॉट है जहाँ पे हम आखिरी बार प्रो राइडर के साथ थे, जहाँ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। तो मतलब बहुत कैसे बताऊं, अजीब सी फीलिंग आ रही है। और मैं उस इंसिडेंट के बाद आज मैं इस स्पॉट पर आया हूं, मतलब हिम्मत ही नहीं हुई थी। हमने काफ़ी संडे राइड्स करी हैं, बट जेवर की जैसे हम लोग पहले रेगुलर करते थे, बट मैं इधर आया नहीं क्योंकि हिम्मत नहीं हो पा रही थी। आज मैं लखनऊ जा रहा हूं तो ऑब्वियसली यहां से तो जाना पड़ता ही। बीच में मैंने व्लॉग बनाया नहीं, ज़्यादा स्पीड में चला नहीं रहा था क्योंकि विंड ब्लास्ट ना बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम यहाँ से फिर से फ्यूल अप कराएंगे, उसके बाद आगे निकलते हैं। तो भाई
आपने कितनी मंगा रखी? मैंने 300 पूरी बहुत ही। और ये क्या है? ये कैमरा है, जैसे मैं जो भी ब्लॉग्स बनाता हूँ वो YouTube पे डालता हूँ जी। गाड़ी के भगाने के है? हाँ, गाड़ी के भगाने। यार जहाँ ट्रैवल करते हैं, अभी मैं लखनऊ जा रहा हूँ। कितने घंटे में? 10 बजे निकला था मैं दिल्ली से, अभी यहाँ। अब देखिए कितने आराम आराम से जाऊँगा, क्योंकि अकेला हूँ, खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाए। हाँ, एक घंटा पहले ही। अच्छा, सूझ भी सी के साथ आ मैं बाइक के? नहीं, ये सब अलग अलग है, अलग लेना पड़ेगा। हाँ, सेफ्टी है, ये बूट्स यहाँ और होना चाहिए यहाँ। हाँ, ये था मेरे पास बट मिला नहीं। रहने वाले कहाँ गए? मैं दिल्ली। अच्छा। हाँ, गियर कितने गियर? 6 गियर। 6 गियर जी। क्रेजी रिएक्शन पुलिस वालों का। भाई मैं अभी पेट्रोल डलवा रहा था तो ये आ गए, पूछने लगे कितने की, कितने सीसी है। बढ़िया रिएक्शन मिलते हैं भाई। एनर्जी आ गई मेरे अंदर। तो अब हम पहुंचने वाले जेवर टोल। तो हम नॉर्मल संडे राइड्स करते हैं यहाँ पे, जब हम संडे राइड्स करते हैं तो यहाँ से यूटर्न ले लेते हैं। आज हम आगे जाएंगे भाई। और ये वो जगह थी जहाँ पे मैंने अगस्त को आखिरी बार देखा, और इससे आगे जाके उसका एक्सीडेंट हुआ था। हम लोगों ने यहाँ से यू टर्न ले लिया था और वो और आमिर सीधा आगे चले गए थे। और वो जो बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, वो स्पॉट है जहाँ पे अगस्त का एक्सीडेंट होता है इस साइड, क्योंकि ये वाला कट अलीगढ़ उतरता है, उधर से ट्रक व्रक खड़े थे। तो ये है वो टप्पल एरिया जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। पता है मैं बाइक चला रहा हूँ ना, तो जो भी मतलब उसके साथ मोमेंट्स है, लास्ट मोमेंट्स मेरे जहन में आ रहे हैं। पर वाले से यही दुआ है कि वो जहाँ पे भी हो खुश रहे। और आप भी भाई दुआ किया करो अपनों के लिए जो आपके साथ हैं और जो जा चुके हैं। अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट दुआ तो कर ही सकते हैं। देखो उसमें किसी का कुछ नहीं रहता। हेलो जी, आगरा आ गए अपन। दिल्ली से आगरा आने में मुझे लगे लगभग 2 घंटे, 2 घंटे 24 मिनट टू बी वेरी प्रिसाइज। बीच में जेवर रुका था आधा घंटे के लिए, ब्रेकफास्ट किया अपना। आगरा पता है मैं पहले भी आ चुका हूँ बाइक से, 2020 में आई थिंक। अब यहाँ से हम चढ़ेंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे, 3 घंटे और मैक्सिमम, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे लखनऊ। और हम लखनऊ क्यों जा रहे हैं ये भी बता देता हूं भाई, क्योंकि लोग बहुत तारीफ करते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे की। मैं पहली बार जा रहा हूं बाइक से, गाड़ी से तो गया हूं, देखते हैं कैसा होता है। तो गाइस अपन लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। बोर्ड पे लिखा था यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये देखो जी, लखनऊ है यहाँ से 317 किलोमीटर दूर। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। तो भाई ये है लखनऊ का पहला टोल, 330 रुपए का बाइक का, देख रहे हो, वेरी एक्सपेंसिव।
330 रुपए का टोल भाई। तो भाई 100 किलोमीटर अपन कवर कर चुके हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे का। अब यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, यार बहुत ज़्यादा ना प्यास लग रही थी, बाइक लगाने की जगह पता नहीं कहाँ है, छाँव में देखते हैं। हालांकि एकदम सूख चुका है गाइस। तो भाई अपन यहाँ रुके थे, जगह तो मुझे पता नहीं, 200 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से लखनऊ। थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, दिन में तो बहुत कम थी, बढ़िया मौसम हो रहा था। और एक सीन और हो गया, अभी मैं चला रहा था तो बैग की चेन खुल गई, उसमें मेरा कुछ सामान रखा था, सारे उड़ गए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जहाँ मैं रुका था वहाँ जाके पता लगा मुझे। और हमें आते हुए अभी एक भाई मिले, क्या नाम है भाई आपका? डेविड। डेविड भाई कहाँ से आ रहे हो? मैं झारखंड से हूँ, बट अभी लद्दाख का ट्रिप था तो वापस जा रहा था। अच्छा, तो भाई भी यहाँ पे ब्रेक के लिए रुके। भाई बता रहे थे अभी कि भाई जा रहे थे 130 पे थे भाई। हाँ मैं था 130 पे और मुझे लग रहा था भाई मुझे कौन ही ओवरटेक करेगा, सबसे आगे जा रहा था बीच वाले लेन पे। तभी भाई साइड वाले लेन से भाई पता नहीं कितने के सीट में मैं हिल गया। आवाज कैसी लगी भाई? भाई बहुत लाउड था। बढ़िया, मजा आया? मजा था। तो भाई लखनऊ रुकेंगे, कल जाएंगे झारखंड और हम अब यहाँ से अपना लखनऊ के लिए निकलते हैं। देखते हैं बीच में, बाकी दिल्ली से लेके अभी तक मैं 3 बार टैंक फुल करा चुका हूँ, और दिल्ली से जब निकला तब टैंक फुल था, तो ऑलमोस्ट 4 बार हो गया ये। अब देखो लखनऊ तक पता नहीं कितना और लगा, अभी देखा मैंने हिसाब लगाया तो ऑलमोस्ट 4000 का फ्यूल लग चुका है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है भाई मैक्स को चलाना। सुपर बाइक का फ्यूल बहुत ज़्यादा, एवरेज है ही नहीं बाइक का, और भगाओगे तो भाई और का। तो यहाँ से रेडी होते हैं फिर निकलते हैं, अपना राइड कंटिन्यू करते हैं। भाई अभी मैंने चेक करा, काफ़ी चीज़ें उड़ गई, कपड़े रख रखे थे मैंने, सारे कपड़े उड़ गए। एक मैंने डिवाइस लेकर आया था मैं, अगर इसमें कोई इशू हुआ है तो वो डिवाइस बाइक से कनेक्ट करो और वो इशू निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा स्कैन होके। वो डिवाइस भी उड़ गया, लेंस रख रखा था मैंने, लेंस भी उड़ गया। एक्स्ट्रा लेंस लेकर चलता हूँ मैं हमेशा, वो लेंस रखे तो वो भी उड़ गए। वो तो शुगर है, लैपटॉप बच गया और कैमरा। बताओ यार ट्रिप की स्टार्टिंग ही ऐसी हुई है, अगर लैपटॉप उड़ जाता तो फिर तो पता नहीं क्या ही होता। अब बाकी मैंने चेन एकदम अच्छे से लगाई है, थोड़ा बार बार चेक करता रहूँगा। चलो भाई एक खाली सर दिख रहा है मुझे, थोड़ी सी एनर्जी आ गई तो थोड़ा चला के दिखते भाई इसको। बहुत ज्यादा है भाई, एक लेफ्ट राइट जा रही है नॉर्मल चलाते हुए, मजा आ गया। उसे ना उसे कंप्यूटर में राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं वैसी हो गया। तो भाई हम जा रहे हैं लखनऊ, लखनऊ से जाएंगे हम मीटअप करने बिहार। काफी लोग ये मैसेज आते थे बिहार से, तो भाई हमारे आपके पास फोर्ब्सगंज, मुजफ्फरपुर और पटना, लखनऊ जा रहे हैं हम अपने सूरज भाई के पास। वहाँ एक दिन रुकेंगे, उसके बाद उनके साथ मिलके हम मचाएंगे धूम बिहार मीटअप पर। मजा आ गया भाई, तो मिलते हैं बिहार वालों, रेडी रहो, चक्का जाम करना है गाइस, ठीक है ना। तो भाई अपन लखनऊ एंटर कर चुके हैं फाइनली। भाई साहब बैक में काफी दर्द हो रहा है और हाथों में, उंगलियों में, फन था बट मज़ा आया। मेरी एवरेज स्पीड रही होगी लगभग 150 के आसपास, तो मैं इस स्पीड पे आया हूँ मस्त। बीच में एक दो जगह जहाँ बोर हो रहा था वहाँ भगाई,
बाकी तो अपना सेफली आया भाई। और आप लोगों को भी यही मैं बोलूँगा जो सोलो ट्रैवल करते हो, फालतू में मत भगाओ, अरे 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 एंजॉय करो राइड अपनी। अब यहाँ मैं जा रहा हूँ सूरज भाई के घर, और जितने मैं मज़े लेता हूँ एक्सप्रेसवे के लखनऊ में एंटर करते ही ट्रैफिक, गाइस हर शहर का यही हाल है। और मुझे अब लग रही है गर्मी, तो अब ज़्यादा हिम्मत नहीं है बोलने की, तो भाई बिहार वालों रेडी हो जाओ, फोर्ब्सगंज मुजफ्फरपुर और पटना अपन लोग आ रहे हैं, धमाल मचाएंगे फुल पावर। और जो लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते फॉलो कर लेना भाई, और रेगुलर अपडेट्स भी इंस्टाग्राम पर ही मिलती ही रहेंगी, तो जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। ओके गाइस, तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।